संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितां नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो दशका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव यात्रे स्वयं सुकृतिनां भवने त्वलक्ष्मि पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि सफाई होने की कामना के साथ कार्यक्रम की जो कड़ी स्टार्ट हुई है, हम सभी अनुसूचित जनजाति विशेषकर खरवार समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और इस खरवार समाज द्वारा चूंकि इस प्रांगण में जो डॉक्टर विजय हम लोगों के बीच में आ चुके हैं और हम चाहेंगे इस बौद्धिक सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय मजिंदर प्रसाद जी खरवार से आग्रह करेंगे और हमारे भी आदरणीय हरेंद्र प्रसाद खरवार जी से हम आग्रह करेंगे कि वो जो केस है उसकी हम लोग एक बुलाना होगा ना दो मिनट बनाने का जो काम कर रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय राघवेंद्र प्रताप खरवार जी भी आज पहली पंक्ति का व्यक्ति बनकर समाज का मार्गदर्शन कर रहा है, पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम लोग जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हम लोग ने संकल्प किया है कि हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन अपने भारतवर्ष ही नहीं देश विदेश तक पहुंचाने का काम करेंगे। त्रिकाल भवंता जी महाराज की, त्रिकाल भवंता जी महाराज की। हम चाहेंगे अपने आदरणीय हरेंद्र प्रसाद जी से, जो इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे मुख्य अतिथि प्रखंड विद्वान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के लोकप्रिय पूर्व SC/ST आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद स्वागत करें। हमारे बीच में प्रभाकर
आदरणीय पांडे जी बनवासी के कल्याण सेवा संघ काशी प्रांत हम लोग के बीच में एसटी मोर्चा के उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं आदरणीय मुन्ना खरवार जी। मैं चाहूंगा रवीश खरवार जी से स्थान ग्रहण करें आदरणीय राघवेंद्र खरवार जी। हम चाहेंगे कि समिति राम प्रवेश जी आए और आदरणीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके मैं एक गीत को आदरणीय माननीय मोदी जी के लिए बनाया हूं और आप लोगों के मंच के माध्यम से समर्पित कर रहा हूं। जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, और जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। मोदी जी न्यारे हैं, राष्ट्र के दुलारे हैं, आँखों के तारे हैं, जन जन के प्यारे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा। अरे जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। मोदी जी न्यारे हैं, राष्ट्र के दुलारे हैं, आँखों के तारे हैं, आँखों के तारे हैं, जन जन के प्यारे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा नाम हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। झूठ कहोगे नहीं, और झूठ कहोगे नहीं, फूट करोगे नहीं, लूट सकोगे नहीं, बोल सकोगे नहीं। अब मिलता सबको सम्मान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। अरे जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। अरे जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। गरीबों के दाता है मोदी जी, विदाता है, बिजली है पानी है, अरे बिजली है पानी है, कहीं नहीं मनमानी है। अरे गरीबों के दाता है मोदी जी, विदाता है, बिजली है पानी है, नहीं कहीं मनमानी है। अब मिलता सबको न्याय हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। आहा जन्म लिए भगवान हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। पाकर्ची ने मृत्यु पड़ा है, पाकर्ची ने मृत्यु पड़ा है, मोदी जी का नाम बड़ा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, भारत का सम्मान बढ़ा है। अपराध का काम हो गया तमाम हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। अरे जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, आंदोलन का मार्ग बना है, जनता का विश्वास बढ़ा है, आयुष्मान कार्ड बना है।
राही जब ता तेरा नाम हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। अरे जन्म लिए हम आ जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनका नाम हर हर मोदी। पंच पर्व संकल्प लिया है, विकसित भारत का लक्ष्य लिया है, गुलामी के मुक्ति को गुलामी की मुक्ति का मार्ग दिया है। हमें अब कोई नहीं कर सकता इनकार हर हर मोदी, जन्म लिए भगवान हर हर मोदी। अरे ले लो इनके नाम हर हर मोदी, जन्म लिए भगवान हर हर मोदी। अपनी पिसा अपनी विरासत पर गर्व करो, एकता झूठता में विश्वास करो, कर्तव्य पथ पर चलने का मिला हमें काम हर हर मोदी। जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, यहाँ जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। धन्यवाद। हम ब्रह्मासी आप भी आए और माता जी को दूर दूर जगहों से आए हुए, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि खरवार समाज की आज दिल्ली में जंतर मंतर पर ये मिनी संसद के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो यहां उपस्थित सभी लोगों को मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां आकर के यहां आकर के हमारे लोकप्रिय और जन कल्याण के प्रति भारत को सही नेतृत्व देने वाले और इस देश में जो भी स्वाभिमानी है धर्माभिमानी है ऐसे लोगों के सम्मान को ऊंचा करने वाले विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति दर्ज कराने वाले और इतना नहीं आज विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ऐसे नेता का हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मनाना चाहिए क्योंकि 100-200 वर्षों बाद इस प्रकार की महानुभूति हम लोगों के बीच में अवतरित होती है और हम लोगों का सौभाग्य है कि इस समय वह महानुभूति हम लोगों के समय में है और हम लोगों को उनके मिशन के साथ काम करने का अवसर भी मिल रहा है। मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं रह गए हैं, वो एक बड़ी संस्था के रूप में दुनिया में देखे जा रहे हैं। चाहे देश का कल्याण की बात हो और चाहे विश्व के कल्याण की बात हो, हर जगह मोदी जी की अब भूमिका प्रशंसनीय है, यादगार के रूप में देखा जाता है। मोदी जी ने अगर भारत के विकास की बात करी तो उन्होंने विश्व के कल्याण और सुरक्षा की भी बात उन्होंने किया और आज दुनिया के सभी देश सब
देश मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लंका वगैरह कोई ऐसा नहीं कि विदेश था, अपना ही देश था, अपने ही लोग वहां हैं। और इस साल यह देश छोटा फोटो है, केवल मानवता या इंसानियत का नहीं, मोबाइल में लगा के रख दो, बल्कि यह देश जीवन जीने के प्रत्येक यहाँ है। मैं जानता हूं कि आप में से किसी व्यक्ति का घर शुभकामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया। आप सबको हम बता दें कि डॉक्टर शास्त्री जी एससी एसटी के नहीं, सर्व समाज के, समय समय पर जो इनसे प्रेरणा हम लोगों को मिलती रहती है। और आज यदि खरवार समाज या जनजाति समाज, हम लोग अगर आज यह जन्मदिन जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं तो इसके पीछे एकमात्र आदरणीय डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद के कारण ही हम इस जंतर मंतर नई दिल्ली में खरवार समाज अनुसूचित जनजाति समाज द्वारा आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारे बीच में हमारे गार्जियन रहे वासुदेव खरवार जी, हमारा चूंकि संचालन की बहुत मजबूरी होती है और कहीं कहीं अपनों को भूल जाता है, तो थोड़ा सा मैं चरणों में क्षमा मांगते हुए मैं चाहता हूं कि आप मंच पर आदरणीय वासुदेव खरवार जी और हम लोगों के बीच में उनके प्रतिनिधि के रूप में, जैसा आदिवासियों का काम वैसा नाम आदरणीय नींबू कोल जी हैं। नींबू कोल जी से हम आप लोगों का परिचय कराते हैं, जो पिछले दो बार लोकसभा में आदरणीय बकोई कोल जी सांसद हुए और दोनों बार आदिवासी जनजाति समाज के लिए गोड़ खरवार चेरो बैगा मुंडा पठारी जितनी भी जनजाति के लोग रहे उनको जो संरक्षण देने का काम करते हैं, ऐसे प्रेरणा पुरुष हमारे पकौड़ी कोल जी हम लोगों के बीच में चुकी किसी नहीं आ सके, इसके रूप में अपना प्रतिनिधि के रूप में नींबू कोल जी हम लोगों के बीच में है। मैं इनका भी मंच पर स्वागत करता हूं। हम चाहते हैं कि सभी लोग भी आ जाएं और चारों तरफ से अपना सभी लोग आ जाएं, थोड़ी दूरी बना के सभी लोग आ जाएं, महिलाएं इधर से आ जाएं, महिलाएं इस तरफ से आ जाओ, किसी बच्चे को खिलाइए, आ जाओ सारे बच्चे, अपने बच्चे हैं वो सब आ जाएं, मैं अपने घर से खिलाऊंगा। यहाँ देखिए श्री रामचंद्र कृपाल भज मनोहर रव मय तारुणम नवचंद्रोचन कन्ने मुख पद कदच नव नील नीरज सुंदर पटनो जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश सदानो दैत वंशल रघुनंदनंद कंदिलोचन दशरथ नंदन इत पद तुलसीदास नारद सेन रंजन हांतो मदन कहरवा कहा के लाला दादे राम बेके सकला साध माए दिलाते दालो लेके ला मोरते समय बाबा जान गयो
उसपे आप क्या कहेंगे? यत्र नारेस्तुंजस्य रमन्ते तस्मै, ये हमारी नैसर्गिक हमारे देश की व्यवस्था है। नैसर्गिक व्यवस्था आज नरेंद्र मोदी के हमारे भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी की दीर्घ भाई सत्यायु सत्कर्म के लिए शुभकामना देती है और उनसे यत्र नारेत पूजनते रमन्ते तस्मै कृतार्थ करने के लिए आग्रह करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी बहुत हमारी मातृशक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ तक कार्य नहीं हो पा रहा है जहाँ से शुरू होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विश्व की पहली महिला शंकराचार्य होने के नाते मैं उनसे उनको उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि वो धर्म क्षेत्र की जो हमारी मातृशक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी मातृशक्ति है वो मातृशक्ति के शिक्षा और स्वास्थ्य पर सुरक्षा पर कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं। जो हमारी मातृशक्ति विभिन्न क्षेत्रों में कुछ कार्य करके बड़े संघर्ष के बाद अगर वो गांव से शहर और शहर से केंद्र तक पहुंच गई है कि आगे की सुरक्षा संरक्षण और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित करें, उनकी पूरे भारत क्या पूरे विश्व उनकी हमारी भारतीय मातृशक्ति विदेशों में भी है उनकी सर्वे करा करके जो मातृशक्तियां हमारी जिस क्षेत्र में आगे पहुंच गई हैं उनके आगे का कार्य करने में क्या क्या उनको बाधा आ रही है, क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हैं उनके स्वास्थ्य पर या शिक्षा पर या उनकी कार्यनीति पर, उन्हें वो बढ़ावा दें। तो मुझे लगता है कि मेरे भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है मंत्री का वो पूरा होगा और हमारा राष्ट्र जो है सुरक्षित संरक्षित होगा और कि जो अखंड भारत की जो कल्पना की जा रही है तो तभी, क्योंकि आधी आबादी हमारी मातृशक्ति नीचे के स्तर पर पायदान पर काम हो रहा है, लेकिन नीचे वाले जो ऊपर आ गई है हमारी मातृशक्ति उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि इस पर वो विचार करें।